का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग। VO2 मैक्स का किस तरह इफेक्ट होता है, परफॉर्मेंस का किस तरह इफेक्ट होता है, होम्योस्टेसिस और स्ट्रेंथ का क्या इफेक्ट होता है ट्रेनिंग के ऊपर। ठीक है, सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो हमारी पूरे होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब कर रही होती है, उसे चैलेंज कर रही होती है, टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं हो रही होती, वेजोडाइलेशन हो रही होती है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज की अपटेक ज्यादा हो रही है, लैक्टेट की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, इस तरह ये होम्योस्टेसिस को काफी हद तक डिस्टर्ब करती है। तो हम आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग पर। हमारे पास तीन प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग होते हैं, ठीक है, एक ओवरलोडिंग, एक स्पेसिफिसिटी, एक रिवर्सिबिलिटी। ओवरलोडिंग क्या होता है कि वैसे तो हमारे नॉर्मली जो मसल्स एक रेट पर वर्क कर रहे होते हैं, ओवरलोडिंग में ये होता है कि वो बियॉन्ड दैट रेट वो वर्क करें। ठीक है, मतलब सिस्टम इज एक्सरसाइज एट अ लेवल बियॉन्ड विच इट इज नॉर्मली अकस्टम। नॉर्मली वो इतने पे वर्क नहीं कर रहा होता है, लेकिन जब आप उसको ओवरलोड करेंगे, ट्रेन करवाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो वो नॉर्मल से ज्यादा पे वर्क करेगा। ठीक है, देन स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी होती है कि हर जो चीज है वो स्पेसिफिक है, ट्रेनिंग इफेक्ट आपका स्पेसिफिक है किसी चीज पर। ठीक है, जैसे कि मसल फाइबर्स पर स्पेसिफिक है, एनर्जी में कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है, एरोबिक सिस्टम से एनर्जी आ रही है या एनएरोबिक से, कॉन्ट्रैक्शन की वेलोसिटी क्या है उस पर भी स्पेसिफिक है, और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक। इसके अलावा ये एक और चीज पर भी डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की एक्सरसाइज करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड्योरेंस ट्रेनिंग हो रही है या हमारे पास रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो रही है। इंड्योरेंस ट्रेनिंग होगी तो हमारे पास जो ना ओवरऑल इंक्रीज आ रहा है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो रही है तो उसमें हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, देन रिवर्सिबिलिटी। अब हमने ओवरलोड पढ़ा ना कि ये क्या होता है, कि मतलब जिसपे हम नॉर्मली कस्टम नहीं होते, हम नॉर्मली जो एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करा रहे होते, उससे ज्यादा रेट पर अब हम ये ओवरलोडिंग होती है। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है कि ओवरलोडिंग में, ओवरलोडिंग ट्रेनिंग में आपने जितनी भी चीजें गेन की हैं आप उन सबको रिमूव कर दें, क्योंकि अब आपने एक्सरसाइज खत्म कर दी है। ठीक है, देखिए ओवरलोडिंग के हवाले से हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि सिस्टम या टिश्यू इन्वॉल्व होता है, वो उसमें तीन वेरिएबल्स होते हैं जो कि चेंज हो रहे होते हैं, जो कि नॉर्मली हमारे हम नहीं उनका वो रेट होता जो कि एक्सरसाइज पर हमारा फिर रेट इनका इंक्रीज होता है। और उसमें कौन से वेरिएबल होते हैं, इंटेंसिटी एक्सरसाइज की इंक्रीज हो रही होती है। देखिए नॉर्मल डेली लाइफ में आपकी इंटेंसिटी कम होती है, जबकि एक्सरसाइज आप करते हैं तो उसमें इंक्रीज होती है, क्योंकि वो प्लान्ड होती है। ठीक है, ड्यूरेशन आपकी एक्सरसाइज में इंक्रीज हो रही होती है, फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज हो रही होती है एक्सरसाइज की, मतलब आप कितने डेज अ वीक कर रहे हैं या कितने मिनट्स अ डे कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज वो इंक्रीज होगी। अब जो टिश्यू जो है वो, उसको कुछ टाइम लगेगा कि वो इस ओवरलोडिंग को अडेप्ट करे। ठीक है, और रिवर्सिबिलिटी जो है वो इसका ऑपोजिट होता है ओवरलोडिंग का। इसके अलावा स्पेसिफिसिटी के लिए हमने बात की कि कौन से मसल फाइबर्स से भी लिमिटेड है, कौन से मसल फाइबर इन्वॉल्व है कि एक्टिविटी में, टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2X कौन से है। ठीक है, और मसल फाइबर अडेप्ट करते हैं स्पेसिफिकली टू द टाइप ऑफ एक्टिविटी। माइटोकॉन्ड्रियल और कैपिलरी अडेप्टेशन भी आती है एंड्योरेंस ट्रेनिंग में, हमने बात की ओवरऑल एंड्योरेंस ट्रेनिंग में अडेप्टेशन हमारे पास आ रही होंगी, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज करेगा, कैपिलरी डेंसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, जबकि रेजिस्टिव ट्रेनिंग करेंगे या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इंक्रीज कर रहा होगा हमारे पास। देन हम इंड्योरेंस ट्रेनिंग या और VO2 मैक्स पे आ जाते हैं। अगर हमने ऐसी ट्रेनिंग करनी है जिससे हमारी VO2 मैक्स इंक्रीज हो, तो हमें ऐसी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी जिसमें लार्ज मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं और डायनेमिक एक्टिविटी होती है, मतलब कि स्टैटिक नहीं होती, एक जगह खड़े होकर एक्टिविटी नहीं है, आप सारे मसल्स को वर्क में ला रहे हैं और मूवमेंट में ला रहे हैं, मूवमेंट से। ठीक है, ये 20 to 60 मिनट्स की भी हो सकती है, 3 to 5 times पर वीक भी इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, 50 to 85% VO2 मैक्स। 85% VO2 हमारा जो होता है वो बस उसकी वो पीक होती है। देन हमारे पास इंक्रीज किस तरह आ सकता है VO2 मैक्स में, देखिए अगर हम 2 से 3 महीने की इंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास एवरेज 15 to 20% VO2 मैक्स में इंक्रीज आएगा। ठीक है, अब वो लोग जो के इनिशियली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उनका हाई इनिशियल VO2 मैक्स होता है, जब वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उनका VO2 मैक्स वैसे ही बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, हमने देखा कि हम 50 to 85% तो आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल उनका 60 to 75% उनका VO2 मैक्स है, इनिशियल VO2 मैक्स ज्यादा है, तो फिर उनमें जब वो एक्सरसाइज परफॉर्म करना शुरू करेंगे तो 2 से 3 महीने बाद सिर्फ 2 to 3% चेंज आएगा उनका। ठीक है, जबकि वो जो सिडेंट्री जिनका लाइफस्टाइल होता है वो बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते, जब वो इस प्लान में आएंगे ना, तो
2 से 3 महीने बाद उनका 30-50% में चेंज हमें शो होगा वी ओ टू मैक्स में, क्योंकि उन्होंने इनिशियली लो पे स्टार्ट किया है। उनकी बॉडी को अकस्टम करने में मतलब जल्दी जल्दी से वो अकस्टम हो गए, जबकि इनिशियली उन जो जिनका हाई था उनको इतना नहीं हुआ। जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन क्या है कि ये तो जेनेटिक भी होता है वीओ टू मैक्स का कि कितना ट्रेनिंग के साथ इंड्योरेंस इंक्रीज करी है, तो 40-66% में से नॉर्मली 50% कहते हैं वीओ टू मैक्स का ये अकाउंट करता है। और हमारे पास अगर कोई पेशेंट है कार्डियो रेस्पिटोरी या कार्डियोवेस्कुलर और पल्मोनरी डिजीजेस का, ठीक है, तो क्या होगा कि उसमें हमारे पास काफी कम होगा वीओ टू मैक्स, यानी कि 20 ml/kg/min होगा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एथलीट है तो उसका 60-80 होगा, इतना हाई जा सकता है, वो कम भी हो सकता है, वो हाई भी हो सकता है, वो वेरी करता है वीओ टू मैक्स, ठीक है। देन हमारे पास उसी की समरी आ गई जो हमने बात की है। देन हमारे पास आके गए हमने वीओ टू मैक्स को कैलकुलेट कैसे करना है। वीओ टू मैक्स हमारे पास कार्डिक आउटपुट और एट्रियो वीनस डिफरेंस की प्रोडक्ट होती है। कार्डिक आउटपुट हमारे पास क्या था, हार्ट रेट मैक्सिमम जो होता है उसको हम अगर उसकी प्रोडक्ट हो स्ट्रोक वॉल्यूम मैक्सिमम के साथ, ठीक है, तो वो हमारे पास कार्डिक आउटपुट होती है। अब 1 मिनट में जितना हार्ट बीट करता है दैट इज हार्ट रेट, एंड 1 मिनट में जितना जो एक बीट में जितना पंप हो रहा है ब्लड दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, और इन दोनों की प्रोडक्ट कार्डिक आउटपुट है। जबकि एट्रियोवीनस डिफरेंस क्या है कि आर्टेरियल ब्लड और वीनस ब्लड के अंदर O2 का या ऑक्सीजन के कंटेंट में कितना ज्यादा डिफरेंस है, ऑब्वियसली आर्टेरियल ब्लड में ज्यादा है और वीनस ब्लड में कम है, ठीक है। तो हमारे पास वीओ टू मैक्स क्या है, कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय आर्टेरियो वीनस डिफरेंस। अच्छा, अब डिफरेंट पॉपुलेशंस में वीओ टू मैक्स डिफरेंट होता है, क्यों, क्योंकि सब लोगों में स्ट्रोक वॉल्यूम डिफरेंट होता है, ठीक है। अब वीओ टू मैक्स में अगर हमारे पास ओवरऑल इंप्रूवमेंट आ रही है, जो कि हमारे पास खुला हुआ फॉर्मूला जो है ये HR:SV:ATVS डिफरेंस, इसमें हमारे पास इंप्रूवमेंट वीओ टू मैक्स में आ रही है, तो 50% स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से आएगी, 50% जो है वो एट्रोवीनस डिफरेंस की वजह से आएगी, हार्ट रेट मैक्सिमम की वजह से इतनी ज्यादा नहीं आएगी। और इसके भी रीजन है, हार्ट रेट मैक्सिमम की वजह से इसलिए नहीं आती क्योंकि जब हम ट्रेनिंग में आते हैं ना तो हमारा हार्ट रेट में कोई खास चेंज नहीं आ रहा होता है, बहुत ज्यादा मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद एक बहुत स्मॉल डिक्रीज आएगा हार्ट रेट में, तो हम इसे कांस्टेंट बोलते हैं। देन स्ट्रोक वॉल्यूम तो हमारा साथ साथ इंक्रीज कर रहा होता है और एट्रियोवेनस डिफरेंस भी इंक्रीज कर रहता है, तो इसलिए जो 50% चेंज आएगा वो इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से होगा और 50% एट्रियोवेनस डिफरेंस की वजह से होगा। अब हम देखते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से किस तरह इंक्रीज होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम था क्या कि अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट विद ईच बीट, ठीक है, हर बीट में कितना ब्लड पंप हुआ, इजेक्ट हुआ, ये इसको हम कहते हैं कि ये डिफरेंस है बिटवीन प्री लोड यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और आफ्टर लोड यानी कि द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इसको हम मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, आफ्टर लोड भी बोलते हैं, और ये डिफरेंस क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम किसके बीच में, प्री लोड और आफ्टर लोड के बीच का डिफरेंस, ठीक है। डिपेंड किस पे करता है, मैक्स जब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है, मैक्सिमल स्ट्रोक वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है वो डिपेंड किस पे करेगा, प्री लोड पे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे, कि जिस वक्त हमारे पास हार्ट पंप करने लगा था ब्लड को तो उससे पहले जब वो फिल हुआ उसकी लास्ट स्टेज जो थी फिल होने की तो उसका वॉल्यूम कितना था उस पर डिपेंड करेगा, और आफ्टर लोड पे यानी कि जो जितनी रेजिस्टेंस ऑफर हो रही थी हमारी तरफ से वो आर्टरीज से एओर्टा से स्पेसिफिकली जब हार्ट ने पंप होना था तो उस पर डिपेंड करेगा, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे, हार्ट कितना इफेक्टिवली पंप कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी और प्रीलोड या हमारे पास जो है वो फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म से है। फिर हम देखते हैं प्रीलोड किस चीज पर डिपेंड करता है, प्रीलोड प्लाज्मा वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। किस तरह, देखें, जब हमारे पास प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली हार्ट में का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी तो ज्यादा होगा अगर प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा होगा, ब्लड अगर हार्ट में ज्यादा आएगा तो उसका वॉल्यूम भी तो ज्यादा होगा जब वो ज्यादा इफेक्टिवली पंप करेगा। देन जितना वो इफेक्टिवली पंप करेगा, जितना ज्यादा ब्लड आपका पंप हो रहा है उतना ही वापस हार्ट में भी आ रहा है ना, तो वीनस रिटर्न भी ज्यादा होगा। देन वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, अब इस सब में क्या एक चीज होती है कि जब हम प्रोलॉन्ग इंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं ना कुछ मंथ से कुछ इयर्स की, मतलब ये वेरी करता है, तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें चेंज आता है कि जो उसका वेंट्रिकुलर वॉल है ना वो थिक हो जाती है, तो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है। तो प्री लोड हमारे पास इंक्रीज करेगा जब प्लाज्मा वॉल्यूम, वीनस रिटर्न और वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा,
आफ्टर लोड या पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमारे पास डिक्रीज करेगी। जब हमारे पास प्री लोड इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रहा है, ठीक है, प्री लोड, तो फिर हमारे पास आर्टीरियल कॉन्स्ट्रिक्शन तो नहीं होगी, आर्टीरियल जो है वो डायलेशन होगी, आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी, खुल जाएंगी, उनमें जो है वो प्रेशर कम होगा, एंड देन मैक्सिमल ब्लड जो मसल में ब्लड फ्लो जा रहा है वो इंक्रीज करेगा, जिसमें मेन आर्टीरियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। इस वजह से हमारे पास आफ्टर लोड डिक्रीज करेगा। और हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी जो भी मैंने बताया था कि वो उसकी उसके कार्डिक मसल्स की कितनी स्ट्रेंथ है कि वो उसको पंप करे ब्लड को, वो इंक्रीज करेगी। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। और इसमें हमारे पास इंड्योरेंस ट्रेनिंग में ये 11% इंक्रीज हम प्लाज्मा वॉल्यूम में देखते हैं आफ्टर 6 डेज ऑफ ट्रेनिंग, ये काफ़ी ज़्यादा रैपिड होता है हमारे पास इंक्रीज। अभी हमने बात की कि स्ट्रोक वॉल्यूम किस तरह इंक्रीज करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा जब प्री लोड कॉन्ट्रैक्टिलिटी और इंक्रीज करेंगे और आफ्टर लोड या पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। अच्छा, प्री लोड इंक्रीज करेगा हमने बताया किस तरह इंक्रीज करेगा, जब प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वीनस रिटर्न इंक्रीज करेगा, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो आपको पता चल गया फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म के तहत वो भी इंक्रीज करती है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब आफ्टर लोड किस तरह डिक्रीज करेगा, आफ्टर लोड क्या होता है, अभी हमने बात की पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट विच वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है टू पंप ब्लड इनटू द एओर्टा, ठीक है। अब जितना ज्यादा हमारे पास स्ट्रोक वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब है अभी हमने बात की थी कि जितना वो वॉल्यूम बढ़ेगा उतना हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगा, जितना हार्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना रेजिस्टेंस ओवरकम होगी, ठीक है। तो फिर हमारे पास आफ्टर लोड डिक्रीज करेगा। अब हम देख रहे हैं कि VO2 मैक्स ट्रेनिंग के साथ इंक्रीज किस तरह करती है, और वो उसमें हम एट्रियोवीनस ऑक्सीजन डिफरेंस को देख रहे हैं। हमने अभी पहले उसका एक पार्ट देख लिया कि कार्डिक आउटपुट किस तरह इंक्रीज करती है स्ट्रोक वॉल्यूम VO2 मैक्स को, ठीक है। देन अब एट्रियोवीनस ऑक्सीजन डिफरेंस किस तरह करता है इंक्रीज, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जब हमारे पास मसल में ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा तो उसका मतलब है कि वहां पर इसमें दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, एक में ब्लड फ्लो इंक्रीज कर रहा है, एक में नहीं कर रहा। अब देखें जहां पर हमारे पास मसल में ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा वहां पर हमारे पास ऑक्सीजन भी मसल्स में ज्यादा जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम करवा रहा था वो खत्म हो जाएगा। अब मसल में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो वेजो डायलेशन होगी, ठीक है, वेजो डायलेशन होगी, ऑक्सीजन जाएगा मसल्स तक। उसके बाद तो इस तरह हमारे पास एट्रियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस इंक्रीज करेगा। उसके बाद क्या होगा कि अब मसल जो है उसने उसकी एबिलिटी इंप्रूव हो रही है कि अब वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करे, तो फिर वहां पर उस वक्त एट दैट मोमेंट ब्लड फ्लो डिक्रीज करेगा और कैपिलरी डेंसिटी इंक्रीज करेगी, यानी कि नंबर ऑफ कैपिलरी इंक्रीज करेगी और वहां से वो ऑक्सीजन को लेती जाएगी, मसल अंदर लेता जाएगा ऑक्सीजन, एंड देन माइटोकॉन्ड्रियल नंबर इंक्रीज करेगा जिस वजह से ATP प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही होगी। हमारे पास कौन कौन से, अभी हमने बात की थी VO2 मैक्स के ऊपर फैक्टर डिपेंड करते हैं, देखिए एक तो कार्डिक आउटपुट और एक एट्रियोवेनस डिफरेंस, इसको हमने डिस्कस कर लिया था कि ये किस तरह इंक्रीज होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम से इंक्रीज होता है। अब हम एट्रियोवेनस डिफरेंस को कह रहे थे कि यहाँ पर सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी, यानी कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ही वेजो डायलेशन होगी, तो उसकी वजह से आफ्टर लोड जो है वो डिक्रीज होगा। दूसरा ये कि मसल में ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, जब मसल में ब्लड फ्लो इंक्रीज किया तो एट्रियोवेनस डिफरेंस इंक्रीज होगा। दूसरी अडेप्टेशन हमने पढ़ी थी कैपिलरीज और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज होगा, तो वो भी सीधा एट्रियोवेनस डिफरेंस को इंक्रीज करेगा। इसकी समरी है जो हमने सारा डिस्कस कर लिया। हमारे पास डी ट्रेनिंग आ गया। डी ट्रेनिंग क्या, अब हमने पढ़ा एक ओवरलोड है और एक रिवर्सिबिलिटी है। जब हमने एक्सरसाइज कर लिया अब हम उसको छोड़ देंगे, जब हम ट्रेनिंग को स्टॉप कर देंगे तो वो डी ट्रेनिंग होगा। जितनी अडाप्टेशन हमारे पास हुई थी उसमें वो यहाँ पर डिक्रीज कर जाएंगी, ठीक है। ट्रेनिंग में हम जो चीजें इंक्रीज होती हैं वो यहाँ डिक्रीज कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब वहां पर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, यहाँ डिक्रीज हो गया। वहाँ एट्रियोवेनस डिफरेंस इंक्रीज हो रहा था क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और इंक्रीज हो रहा था और हमारे पास जो है वो कैपिलरी की डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी और ATP प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर ये डिक्रीज कर जाएंगे। Type 2A फाइबर्स यहाँ डिक्रीज करेंगे क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एनएरोबिक होते हैं, उन्होंने स्लो फटीग कॉज करनी होती है, और वो किस लिए एक्टिव होते हैं कि जिस वक्त हमारे पास
हमने ट्रेनिंग ट्रेनिंग में हम आते हैं, ठीक है। और टाइप टू एक्स मतलब हमें ज्यादा जब काम करना है तो वो जाहिर सी बात है स्लो फटीग फाइबर्स एक्टिवेट होंगे, जब हमें कम काम करना है तो क्विकर टू फटीग एक्टिवेट होंगे जो टाइप टू एक्स है, टाइप टू एक्स यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। देन हमारे पास इंड्योरेंस ट्रेनिंग का इफेक्ट परफॉर्मेंस पे क्या आता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, अभी हमने पहले बात की थी कि होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो रहा होता है तो फिर उसको मेंटेन भी तो करना है। इसके हम अगर रेस्ट स्टेज पे हैं तो रेस्ट से स्टेडी स्टेज पे हमारी रैपिड ट्रांजिशन हो रही है कि हम कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ठीक है। वैसे हम जब रेस्ट पे होते हैं तो हमारा फिर जो है एक्सरसाइज करने को दिल नहीं करता है स्टेडी स्टेट में जाने को, या हम ज्यादा एक्टिव फील करते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोजिन स्टोर्स या ग्लूकोज की रिलायंस कम हो रही है, कार्डियोवैस्कुलर और थर्मोरेगुलेटरी अडेप्टेशन भी आ रही है। देन न्यूरल और हार्मोनल अडेप्टेशन है, उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास इनिशियल चेंजेस है परफॉर्मेंस में वो इंक्रीज करेंगे, न्यूरल ड्राइव इंक्रीज करेगी, यानी कि जो भी हमने रिक्रूटमेंट पैटर्न पीछे फाइबर्स का पढ़ा है टाइप टू एक्स और टाइप टू ए और टाइप वन फाइबर्स, उनका हमने रिक्रूटमेंट पैटर्न पढ़ा है वो इंप्रूव हो रहा होगा। हार्मोन सिंथेसिस इंप्रूव हो रहा होगा, जब हार्मोन सिंथेसिस जब सिक्रीशन हार्मोन की ज्यादा हो रही है तो जो जिस टिश्यू के ऊपर हार्मोन ने जाके बाइंड करना है तो उसके ऊपर रिसेप्टर्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चरल बायोकेमिकल चेंजेस मसल्स में आ रहे हैं, वो हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया और कैपिलरी की डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। अदर देन दिस हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया जब इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर हमारे पास तीन प्रोसेस होने हैं, क्रेब्स साइकिल का, फैटी एसिड साइकिल या बीटा ऑक्सीडेशन जिसे बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज करा है तो ये भी इंक्रीज करेंगे, तो फिर जब ये इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली इनके एंजाइम्स भी इंक्रीज करेंगे। क्रेब्स साइकिल का जो प्राइमरी एंजाइम होता है दैट इज सिट्रेट सिंथेस, जो जिसने इनिशिएट करानी है साइकिल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये मार्कर है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का। देन हम टाइम कोर्स ऑफ ट्रेनिंग और डी ट्रेनिंग देखेंगे जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल चेंज कहते हैं। अगर हम 5 वीक्स की ट्रेनिंग करें ना तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का जितना अमाउंट पहले थी वो डबल हो जाएगी। और डी ट्रेनिंग में क्या होगा, अगर 1 वीक में हमने अपनी ट्रेनिंग सीज कर दी है ना तो 50% हमारे पास जो हमने गेन किया था वो लूज हो जाएगा। और 5 वीक की अगर हम डी ट्रेनिंग करेंगे, हम 5 वीक तक सीज किया रखेंगे तो जितनी अडेप्टेशन हुई थी हमारे पास वो सारी लूज हो जाएंगी। और हमें इनको रीगेन करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट वीक ऑफ डी ट्रेनिंग में 50% ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट लूज हुआ था, हमें उसको रीगेन करने के लिए मजीद 4 वीक्स ऑफ डी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। देन एक्सरसाइज इंटेंसिटी और ड्यूरेशन का माइटोकॉन्ड्रियल अडेप्टेशन पे क्या रोल है, देखिए हमने बात की थी सिट्रेट सिंथेस जो है वो मार्कर है माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी का, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों, ठीक है। अब एक्सरसाइज इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट आता है, 55% की VO2 मैक्स है, 65% की है, 75% की है, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स होंगे ना, जो हमारे पास 2A फाइबर्स हैं, ठीक है, इनमें लॉन्ग टर्म ये एनएरोबिक होते हैं और शॉर्ट टर्म एरोबिक होते हैं, ये जो फाइबर्स होंगे इनमें सिट्रेट सिंथेस इंक्रीज कर जाएगा जितनी भी हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर लें। उसके बाद ड्यूरेशन पे क्या होगा कि जितने भी टाइम की ड्यूरेशन हमारी जितनी भी होगी ना तो उसमें डिफरेंस नहीं आएगा सीएस की एक्टिविटी के ऊपर टाइप 2A फाइबर्स में, जबकि टाइप 2A फाइबर्स हमारे पास इजीली रिक्रूट हो जाते हैं ना जब हमारे पास एक्सरसाइज की इंटेंसिटी लोअर होती है। स्ट्रीनियस एक्सरसाइज में टाइप 2X फाइबर्स होते हैं, जिसे हमने बताया कि टाइप 2A जो है वो स्लोअर फटीग है लेकिन स्लो ट्विच है, ठीक है, ये भी है तो स्लो ट्विच ही, लेकिन इनमें क्या है ये फटीग जल्दी हो जाते हैं टाइप 2X, और इसी तरह इनकी हायर इंटेंसिटी में ये इंक्रीज करेगा, लॉन्गर ड्यूरेशन ट्रेनिंग में भी इंक्रीज करेंगे। देन अगर हमारे पास लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज आ जाती है तो उसमें हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी ऑफ हाई ऑक्सीडेटिव फाइबर्स इंक्रीज होगी, ठीक है। स्ट्रीनस एक्सरसाइज में हमारे पास जो है वो लो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स जो है वो चाहिए होंगे हमें। और हाई लेवल इंड्योरेंस परफॉर्मेंस में क्या होता है, हमें जो टाइप 2X फाइबर्स होते हैं वो नहीं चाहिए होते, अगर हाई लेवल इंड्योरेंस हो रही है तो हमें टाइप 2A फाइबर्स चाहिए होंगे। इसके अलावा हमारे पास बायोकेमिकल अडाप्टेशंस और ऑक्सीजन डेफिसिट का क्या है, देखें एडीपी की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में जो है वो वैसे स्टिमुलस होता है एटीपी की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ट्रेनिंग में इंक्रीज करेगा तो हमारे पास एडीपी जो है वो डिक्रीज करेगा। सुने किस तरह ये होता है, अगर हमें एटीपी की जरूरत है तो इसका मतलब है कि साइटोप्लाज्म में एडीपी प्रेजेंट है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया तक जाना है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, वो बाइंड करेगा एंड देन वो एटीपी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ही इंक्रीज कर दिया है तो जो साइटोप्लाज्म के अंदर एडीपी है वो तो कम होगा ना, अब एडीपी तो उतना ही रहना है, ठीक है,
तो क्या होगा कि वो जल्दी जल्दी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और वहां पर वो एटीपी की में जो एटीपी की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। तो हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर एडीपी का कंटेंट लोअर हो जाएगा जबकि एटीपी का प्रोडक्शन वहां पर इंक्रीज हो जाएगी, और फिर इसी तरह VO2 मैक्स इंक्रीज होगा। ऑक्सीजन डेफिसिट लोअर होता है ट्रेनिंग के बाद क्योंकि वहां पर VO2 मैक्स इंक्रीज हो रहा होता है, सेम VO2 होता है लेकिन हमारे पास एडीपी जो है वो कम चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी हमारे पास डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव मीन से आ रही है क्योंकि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज कर गया है। अब VO2 कर्व के अंदर फास्टर राइज आएगा, फिर हमारे पास लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होगी, लैक्टेट की फॉर्मेशन नहीं होगी और फॉस्फोक्रेटिनाइन डिप्लीट जो है वो नहीं होगा। क्यों, वजह क्या है? देखिए, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ठीक है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इफेक्टिवली मिल रही है, VO2 की कर्व इंक्रीज हो रही है। और फॉस्फोक्रेटिनिन की डिप्लीशन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जब एडीपी ने फॉस्फोक्रेटिनिन के साथ ही बाइंड करना होता है एटीपी बनाने के लिए और उसमें साथ क्रेटिनिन रिलीज हो जाता है, ठीक है, इसलिए हमारे पास ऑक्सीजन की अपटेक ऑनसेट ऑफ एक्सरसाइज पे इंक्रीज करती है, एरोबिक एंजाइम्स भी इंक्रीज करते हैं जो कि इन टर्न माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज कर होता है, इस वजह से हमारे ये सारे प्रोसेसेस इंक्रीज हो रहे होते हैं। देन हमारे पास फैट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, सब मैक्सिमल एक्सरसाइज में क्या होता है कि हमारे जो मसल होते हैं उनमें फैट की डिलीवरी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो मसल जो है वो फैट मोबिलाइज करते हैं रादर देन ग्लाइकोजन या ग्लूकोज, तो उसके स्टोर जो है वो हमारे पास वो बेसिकली रिजर्व बन जाता है। हमारे पास 3 तरह के अडेप्टेशन आती है फैट डिलीवरी से लेकर, पहली ये कि कैपिलरी डेंसिटी इंक्रीज करेगी, वही बात, कैपिलरी डेंसिटी इंक्रीज हुई है तो फिर हमारे पास फ्री फैटी एसिड जो है वो मसल्स में ज्यादा जा रहे हैं। अब मसल्स में फ्री फैटी एसिड ज्यादा जा रहे हैं तो उसका फिर दूसरी अडाप्टेशन क्या होगी कि वो मसल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सके, सार्कोलिमा को क्रॉस करे। तीसरी क्या होगी कि वो जो है वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जा सके, ठीक है, जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उतने ज्यादा एफएफए जाएंगे, एफएफए ज्यादा एब्जॉर्ब होने हैं तो उसका मतलब उन्हें उतना ही ज्यादा जल्दी जल्दी होना पड़ेगा। तो इंड्योरेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग जो होती है वो मसल की एबिलिटी को इंक्रीज करती है कि वो फैटी एसिड्स का या फैट्स का मेटाबोलाइज होने करें, ठीक है। वो क्या होता है कि अभी हमने बात की थी कि पहले कैपिलरी डेंसिटी इंक्रीज होती है और माइटोकॉन्ड्रिया नंबर इंक्रीज होती है, तो जब हमें मेटाबॉलिज्म फैट्स का इंक्रीज करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी मसल फाइबर में इंक्रीज हो रहा होगा, तो फिर हमारे पास जितनी ज्यादा फैट की यूटिलाइजेशन होगी उतनी ज्यादा फिर हमारे पास ग्लाइकोजन और ग्लूकोज के स्टोर बन रहे होंगे, ठीक है, स्पेयर हो रही होगी, वो यूटिलाइज नहीं हो रही होगी। देन अगर प्लाज्मा ग्लूकोज कंसेंट्रेशन को देखा जाए तो फिर हमारे पास जब फ्री फैटी एसिड मसल के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे कैसे होंगे, ब्लड कैपिलरी डेंसिटी ज्यादा होगी। अब हमने बात की थी जब कैपिलरी डेंसिटी ज्यादा होगी तो फिर हमारे पास जो है वो न्यूट्रिएंट्स की इनटेक भी ज्यादा हो रही होगी, तो फिर मसल जो है वो एफएफए को ज्यादा उनकी अपटेक होगी, ठीक है, जबकि ब्लड फ्लो स्लोअर होगा। ट्रांसपोर्ट हो रहा है एफएफए साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया था क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन होनी है तो उसके लिए क्या होगा कि एंजाइम्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रहे हैं। नीचे वही चीज समराइज की हुई है कि ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और ये किस तरह इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर हम देख रहे थे कैपिलरी डेंसिटी इंक्रीज होती है, कैपिलरी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या है कि स्लोअर ब्लड फ्लो हो रहा है मसल के अंदर, और एफएफए की इंटेक ज्यादा हो रही है, एफएफए की इंटेक ज्यादा होगी तो इसका मतलब है वो यूटिलाइज भी ज्यादा हो रहा है और प्लाज्मा ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वो स्पेयर हो रहा है, ठीक है। देन माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जब इंक्रीज करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि कार्निटिन ट्रांसफरेज और फैटी एसिड एंजाइम जो है वो इंक्रीज करेंगे। कार्निटिन ट्रांसफरेज क्या है, कार्निटिन शटल होती है जिसने फ्री फैटी एसिड्स को लेकर जाना था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जब माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स इंक्रीज करेंगे तो फैटी एसिड यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज करेगी और फिर इसका क्या मतलब है ग्लूकोज फिर से स्पेयर हो रहा है। अब जब हम लैक्टेट की रिमूवल की बात करते हैं, लैक्टेट एक्युमुलेशन क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है लैक्टेट प्रोडक्शन और लैक्टेट रिमूवल में। हमारे पास कैपिलरी डेंसिटी इंक्रीज करती है तो उससे क्या होता है कि जो O2 है मसल में वो ज्यादा जाएगा, ब्लड फ्लो वहां पर अब कम हो रहा है ना, हमने बात की थी कि पहले ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है बाद में जब कैपिलरी डेंसिटी इंक्रीज करती है तो फिर ब्लड फ्लो मसल के अंदर डिक्रीज करता है। अब जब कैपिलरी डेंसिटी इंक्रीज कर दिया तो O2 जो है वो मसल के अंदर ज्यादा जा रहा है जबकि लैक्टेट सारा बाहर आता जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर जो है मसल के अंदर हमारी वो ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ है और लिवर और किडनी की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया है, तो जब O2 वहां से निकल कर बाहर आएगा मसल से तो वो लिवर और किडनी की तरफ जाएगा और वहां से लैक्टेट का रिमूवल हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगी। देन सेकेंड अडेप्टेशन थी माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज होना, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज होगा तो एंजाइम इंक्रीज करेंगे और लैक्टेट का मेटाबोलिज्म इंक्रीज होगा।
डेंसिटी के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि लैक्टेट रिमूव होगा और वो कहाँ जाएगा, ऑर्गन्स में, सबसे पहले हार्ट में जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हार्ट में जा रहा है तो वहां से फिर वो मजीद उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है ऑर्गन्स में, तो फिर वो एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। कार्डियक आउटपुट थी, कार्डियक आउटपुट से मतलब ये ब्लड फ्लो था, ब्लड फ्लो जब लिवर में गया तो वहां पर तो ज्यादा इंक्रीज ब्लड फ्लो हो रहा था, तो लैक्टेट का रिमूवल भी ज्यादा हुआ और ब्लड में लैक्टेट कम हुआ। वर्किंग मसल में जो है वो ब्लड फ्लो तो डिक्रीज हो रहा था लेकिन ऑक्सीजन की एक्सट्रैक्शन मसल में ज्यादा हो रही थी, मसल उसको ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा था, इसका मतलब है कि वो लैक्टेट ज्यादा रिलीज कर रहा था, तो लैक्टेट की प्रोडक्शन हमारे पास डिक्रीज हो गई और ब्लड लैक्टेट जो है वो डिक्रीज कर गया। लैक्टेट तब प्रोड्यूस होता है ना जब ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है। देन इसी की समरी है। देन फीडबैक के ऊपर एक्सरसाइज ट्रेनिंग का क्या इफेक्ट आता है, देखिए जब हम ज्यादा तो हमारे मसल जब एक दफा ट्रेन हो जाते हैं किसी चीज के लिए तो फिर जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो फिर जो है वो इतनी जल्दी सेंस करके तो उन्हें फीडबैक नहीं भेजते हैं हाइपोथैलेमस को कि इसमें कोई चेंज आया केमिकल्स में, जिस तरह इसमें हमारे पास हर चीज डिक्रीज इंक्रीज होती है, जिस तरह लैक्टेट डिक्रीज हो रहा है, फ्री फैटी एसिड का मेटाबोलिज्म इंक्रीज हो रहा है, इनके कोई एंड प्रोडक्ट्स भी होंगे जिन्होंने एक्सक्रीट होना है, ठीक है। तो जो ट्रेन मसल्स हैं उनका फीडबैक हाइपोथैलेमस तक नहीं जाएगा। इसी तरह पे क्या होगा कि जो मोटर यूनिट्स हैं वो भी जल्दी जल्दी रिक्रूट नहीं होंगे, क्या वो उन्होंने भाई नए टास्क परफॉर्म करने तो उन्हें नए नए होने चाहिए, ठीक है। फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, दैट इज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी, वेजो डायलेशन होगी, ये एक चीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हार्ट रेट भी हमारे पास रिड्यूस होता रहेगा, वेंटिलेशन रिस्पॉन्सेज इन सब मैक्सिमल एक्सरसाइज, और ये हमारे पास मतलब इनका हमारे पास वो हाइपोथैलेमस तक नहीं जा रहा होगा, सिग्नल नहीं जा रहे होंगे। देन स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग पे क्या इफेक्ट होता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या है कि एक मसल या ग्रुप ऑफ मसल जो है वो किस एक फोर्स कितनी फोर्स जो मैक्सिमल फोर्स है वो जनरेट करेंगे, तो 1 रिपीटेशन मैक्सिमम से हम इसे कहते हैं। देन मस्कुलर इंड्योरेंस क्या होती है, मस्कुलर इंड्योरेंस होती है कि रिपीटेड कॉन्ट्रेक्शन आप की जो है वो इसमें रिपीटेशन मैक्सिमम ज्यादा होते हैं, ठीक है। सब मैक्सिमल लोड के अगेंस्ट आप जो है वो रिपीटेड कॉन्ट्रेक्शन कर रहे हैं, मैक्सिमल वो होता है जिसमें आपकी मैक्सिमम एक्जर्शन होती है, और सब मैक्सिमल वो होता है जिसमें आपकी मैक्सिमम एक्जर्शन नहीं होती है, मैक्सिमम से कम एक्जर्शन होती है उसमें आपकी, ठीक है। देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो इसमें हमने ओवरऑल स्ट्रेंथ को गेन करना है, तो इसमें क्या होगा कि जितनी हमारी इनिशियल स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा गेन होगी। अब तो जेनेटिक की लिमिटेशन भी आती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में के गेन में। इसके अलावा अगर आपने हाई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने के लिए आपने फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ गेन करनी है, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए आपको रेजिस्टेंस की हाई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी जिसमें हमारे पास रिपीटेशन मैक्सिमम कम होगा। देखिए हमने बात किया ना कि इंड्योरेंस में रिपीटेड कॉन्ट्रेक्शन होती है, तो स्ट्रेंथ के लिए हमें कम रिपीटेशन चाहिए होंगी, दैट इज 2 to 10 रिपीटेशन मैक्सिमम, जबकि इंड्योरेंस के लिए हमें ज्यादा चाहिए होंगी, 20+ रिपीटेशन मैक्सिमम, यानी कि इसमें लो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होगी। देन एजिंग स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग क्या है, आफ्टर एज 50 हमारे पास ना डिक्लाइन आता है मसल मास के अंदर, जैसे सार्कोपिनिया बोलते हैं मोटर यूनिट्स के अंदर, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर यूनिट्स के अंदर, ठीक है, रीऑर्गेनाइज भी नहीं हो रहे होते मोटर यूनिट्स। जब सार्कोपिनिया के अंदर हमारे पास जो है वो सार्कोपिनिया हो रहा है, मसल मास में लॉस हो रहा है, तो जो हमारे पास मसल फाइबर टाइप्स है वो उनमें लॉस होगा, वो रिक्रूट नहीं होगी, इंट्रामस्कुलर फैट नहीं होगा, कनेक्टिव टिश्यू का लॉस हो रहा होगा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करानी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि मसल की हाइपरट्रॉफी होगी, स्ट्रेंथ गेन होगी, आप अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकेंगे, आपका बैलेंस मेंटेन होगा और आप के जो रिस्क ऑफ फॉल है वो रिड्यूस होगा। देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो उसकी वजह से क्या होगा कि मसल साइज और स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, इनिशियल 8 to 20 वीक्स के ये हमें ये होती है और इससे न्यूरल अडाप्टेशन इंक्रीज होती है, और लॉन्ग टर्म जो ट्रेनिंग होती है वो 20+ वीक्स की होती है, शॉर्ट टर्म 8 to 20 वीक्स होती है इसमें सिर्फ न्यूरल अडाप्टेशन आती है, जबकि लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग 20+ वीक्स की होती है इसमें मसल हाइपरट्रॉफी हो रही है, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग इसमें इन्वॉल्व होती है जिसमें हाइपरट्रॉफी होती है। अगर देखें आप 3 वीक्स में 10 सेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो 10 सेशन अगर आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के कर रहे हैं 3 वीक्स में अप्रोक्सीमेटली, तो आपकी हाइपरट्रॉफी तब होगी।
और हाइपरट्रॉफी मसल इनलार्जमेंट हम देखें तो उसमें दो चीजें आती हैं, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लाजिया। हाइपरट्रॉफी क्या होती है कि जो टाइप वन और टाइप टू मसल फाइबर है उनमें इनलार्जमेंट हो रही है, ठीक है, लो इंटेंसिटी यानी कि हाई रिपीटेशन मैक्सिमम से भी हो रही है, और हैवी रिजिस्टेंस यानी कि लो रिपीटेशन मैक्सिमम से भी हो रही है, इसमें कैपिलरी डेंसिटी में इंक्रीज नहीं आ रहा। जबकि हाइपरप्लाजिया में क्या होगा कि जो हमारे पास मसल फाइबर नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, जिस तरह अगर पहले फॉर एग्जांपल एक मसल के अंदर चार टाइप वन चार टाइप टू थे तो अब आठ टाइप वन आठ टाइप टू हो गया, वो हाइपरप्लाजिया। ये एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं होता। और मेनली सीन इन लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद हाइपरप्लाजिया आता है। और ये मसल हाइपरट्रॉफी में जितना एविडेंट मसल हाइपरट्रॉफी होती है उतना एविडेंट हाइपरप्लाजिया नहीं होता। देन पीरियडाइजेशन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, पीरियडाइजेशन क्या होती है कि वो वॉल्यूम और वो इंटेंसिटी एक ट्रेनिंग की जो मतलब सिस्टमिक एक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम और इंटेंसिटी ट्रेनिंग की इंक्रीज हो रही है या वेरी कर रही है ओवर टाइम, ठीक है। ट्रेडिशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में क्या बताते थे कि जो वेरिएशन होती है वो इंटेंसिटी में होती है यानी कि रिपीटेशन मैक्सिमम में सेट्स में और रिपीटेशन में। अब में क्या होता है कि रेस्ट पीरियड्स के अंदर भी हमारे पास जो है वो वेरिएशन आ रही है, टाइप ऑफ एक्सरसाइज में भी वेरिएशन आ रही है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेशंस में भी, ट्रेनिंग वॉल्यूम में भी, ठीक है। हमारे पास हमें ना अगर ऑप्टिमल गेन चाहिए तो हमें वर्कआउट डेवलप करने चाहिए, जिसमें स्ट्रेंथ का वर्कआउट भी हो सकता है, पावर भी, मोटर परफॉर्मेंस, हाइपरट्रॉफी एग्जैक्ट का। लीनियर और अनड्यूलेटिंग प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं जिसमें वॉल्यूम और इंटेंसिटी की वेरिएशन है, और इफेक्टिव ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं देन नॉन पीरियडाइज ट्रेनिंग फॉर इंप्रूविंग स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस, ठीक है। देन हमारे पास इंटरफेरेंस क्या आ रही है अडेप्टेशंस में, पोटेंशियल फॉर इंटरफेरेंस ऑफ अडेप्टेशंस। एक तो इंड्योरेंस ट्रेनिंग हमारे पास इंक्रीज करती है माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन को, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को इंक्रीज करती है, और ये डिपेंड किस पे करती है, इंटेंसिटी वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग पर। और स्टडीज जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स बताती है, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। देन ये सब की समरी एंड दैट्स ऑल अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग। थैंक यू।